नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू इंग्लिश एक्सपो। दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज एक नया टॉपिक होने जा रहा है, दूसरे टॉपिक से बहुत खास है। दोस्तों, अगर आप भी तक आप हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले दोस्तों, आपका प्यार सपोर्ट बनाए रखें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज का जो आपका टैब होगा इंसर्ट और सब टैब होगा इलस्ट्रेशन, उसका पहले हम बात करेंगे। सपोज मान लीजिए यहीं से काम स्टार्ट करेंगे, तो इसको हम थोड़ा नीचे ले आते हैं, तो पिक्चर्स के ऊपर क्लिक करेंगे। पिक्चर्स मैं पहले आपको बता देता हूँ, पिक्चर्स और ऑनलाइन पिक्चर्स में क्या अलग है। पिक्चर्स मतलब आपके कंप्यूटर के अंदर जो पिक्चर्स होंगे उसके बारे में वो बात कर रहा है, जो कि ऑफलाइन भी चाहो तो ऐड कर सकते हो। मेरा देखिए, मैं अभी ऑफलाइन हूँ, तो अभी मुझे चाहूंगा तो मैं ऑनलाइन से नहीं, ऑफलाइन से मेरे कंप्यूटर से जितने सारे पिक्चर्स होंगे, फोटोज होंगे, मैं ऐड कर सकता हूँ। देखिए, पिक्चर्स के ऊपर क्लिक किया तो डायरेक्ट यहाँ पे कोई ब्राउजिंग का ऑप्शन नहीं है, आप आराम से जाके कोई भी पिक्चर को पिक करके आप लेके ऐड कर सकते हो। तो मेरा पिक्चर ऐड हो गया अभी। तो याद रखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट को आप ऐड करते हैं तो आपका ऑटोमेटिकली फॉर्मेट टैब एक जनरेट हो जाता है उस पिक्चर को और नया शेप और नया लुक देने के लिए। ठीक है, तो ये रिमूव बैकग्राउंड है। रिमूव बैकग्राउंड में आप क्या कर सकते हो, आपका बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। ठीक है, तो डिस्चार्ज ऑल चेंजेस कर देते हैं, चलिए आगे चलते हैं। तो इंसर्ट को अभी चले आते हैं। देखिए, आप ऑनलाइन ऑफलाइन आप ऐड कर चुके हैं, ऑनलाइन के लिए चलते हैं। तो ऑनलाइन पिक्चर्स के लिए यहाँ पे ऑनलाइन मेरा कनेक्शन नहीं है, इसके वजह से यहाँ पे ऑफलाइन दिखा रहा है। तो आप चाहो तो वर्क ऑफलाइन के ऊपर क्लिक करोगे, वैसा ही चीज आपको चला जाएगा जैसे कि आपका पहला वाला ऑप्शन में था। तो फिर से आप कोई भी चाहो तो आप क्या कर सकते हो, आप कोई भी फोटो यहाँ पे ऐड कर सकते हो। चलिए इसको ऐड कर ही देते हैं। तो दो पिक्चर्स यहाँ पे हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि मैंने ऑब्जेक्ट ऐड किया, ऑब्जेक्ट के साथ साथ यहाँ पे एक नया टैब ऐड हो जा रहा है, उसका नाम है फॉर्मेट। ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे उसको एडिट करने के लिए ऑप्शंस चले आएंगे। उसको राउंड बना सकते हो, उसको स्क्वायर बना सकते हो, रेक्टेंगल बना सकते हो, कुछ भी आप बना सकते हो इसी के हिसाब से। तो ये आपका यहाँ पे ऑप्शंस है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, पहला चीज। तो दूसरा चीज है, यहाँ पे साइज चेंज कर सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे। फॉर्मेट टैब के बारे में भी आपको बोलेंगे, मगर अभी नहीं, बस बेसिक आइडिया आपके पास होना चाहिए कि क्या क्या होते हैं करके। चलिए, ये दोनों शायद आपका क्लियर हो गया, और इसको ऊपर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली फॉर्मेट टैब यहाँ पे आ जाएंगे। उसको क्लिक करेंगे तो सारे चीजें यहाँ पे, कलर चेंज कर सकते हैं, सब कुछ यहाँ पे ऑप्शंस है। ठीक है, इंसर्ट में है तो थोड़ा इंसर्ट के ऊपर ही चलते हैं। तो यहाँ पे आता है शेप, तो हम पिक्चर को अभी हटा देते हैं थोड़ा। शेप, शेप मतलब क्या, विभिन्न टाइप के यहाँ पे दिखने मिलेंगे आपको शेप्स, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कोई भी शेप्स को आप ले सकते हो। यहाँ से उसका ऑब्जेक्ट डालोगे तो ऑटोमेटिकली फॉर्मेट टैब जनरेट हो जाएगा। तो फॉर्मेट टैब को ड्रॉप डाउन करोगे तो यहाँ पे तरह तरह का आपको सारे चीजें दिखने मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे उसको थोड़ा एडिटिंग कर सकते हो, आप चाहो, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हो क्या नहीं, उसको घुमाना चाहते हो। ये टोटल आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप क्या क्या करना चाहते हो, कैसे करना चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ पे सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे कि आपका कोई भी ऑब्जेक्ट डालते हो तो फॉर्मेट टैब आ जाता है, आपको याद रखना है ये चीज। ठीक है, तो अभी शेप्स, कोई भी शेप्स आप डाल सकते हो, शेप्स को डाल के आप भी तरह तरह के चीजें भी बना सकते हो। मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई फूल बनाना चाहूँ, सपोज मान लीजिए ये लव का सिंबल कहाँ गया, हाँ, लव का सिंबल लोग लेके मैं एक फूल बनाना चाहता हूँ,
तो मैं इसको क्या करूं, अलग अलग कर सकता हूं। तो यहां पे फूल उसको उल्टा करके उसका उल्टा कर दूं तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसके साइड में धीरे 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 एक शेप के होना चाहिए तो आपको अच्छा लगेगा। तो ऑटोमेटिकली जब आप चीजों को संभालना स्टार्ट करते हो तो ऑटोमेटिकली देखिए ऐसे ऐसे करके आप वैसे सजा सकते हो। तो बहुत सारी चीजें हो सकते हैं, बस याद रखिए यहाँ पे शेप्स हैं, तो आप शेप्स को जाके कोई भी चीज यहाँ पे डाल सकते हो, उसको कॉपी कर सकते हो, उसको रंग बिरंग कर सकते हो, कोई भी चीज आप कर सकते हो, कोई कलर डाल सकते हो या पिक्चर डाल सकते हो, फिल शेप फिल में यहाँ पे कलर डाल सकते हो, पिक्चर्स डाल सकते हो। मान लो कि पिक्चर आपका कोई पिक्चर रखना चाहो तो आप खुद का पिक्चर भी डाल सकते हो। देखिए तो मैंने यहाँ पे मेरा पिक्चर डाल दिया, तो उसको थोड़ा अगर हम करेंगे तो यहाँ पे मेरा पिक्चर है। सो इट्स ऑल अबाउट यू कि आप कैसे उसको डेकोरेट करना चाहते हो। फिर से चले जाते हैं, यहाँ पे दिखते हैं और क्या क्या है। सो दोस्तों वही चीज मैं बार बार आपको रिपीट नहीं करूंगा, ये आप चाहो तो खुद एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। नीचे है एक न्यू ड्राइंग कैनवास, आप अगर उसके ऊपर क्लिक करोगे आपका एक स्लेट की तरह चले आएगा। उसका अगर कुछ भी रंग बिरंग करना चाहो तो कर सकते हो, उसके ऊपर ये सारा चीज दे के आप कोई भी ग्रीटिंग कार्ड्स या कुछ भी बना सकते हो यहाँ पे, ठीक है। कुछ भी बना सकते हो, ग्रीटिंग्स कार्ड हो या कुछ भी बना सकते हो। मान लीजिए आप एक पत्ता यहाँ पे कर रहे हो, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं और उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट टैब को जाके फिल शेप के ऊपर क्लिक करके ग्रेडिएंट्स या पिक्चर्स के ऊपर हो, पिक्चर्स को यहाँ पे सिलेक्ट कर देते हैं, उसके बाद लिखते हैं, यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाता है। सो दोस्तों आपको खुद को ये सब एक्सपेरिमेंट करना है, मैं बस आपको प्रोसेस बता देता हूँ कि कहाँ पे क्या मिलेगा। तो शायद शेप्स में आपको मैं सारा चीज बता दिया हूँ, सब कुछ वैसे ही है, ठीक है। उसके बाद आता है, थोड़ा नीचे चले आते हैं और भी अच्छा अच्छा चीज आपको हम बताएंगे। यहाँ पे आता है कि स्मार्ट आर्ट, पहला चीज आता है। स्मार्ट आर्ट क्या है, ये शेप्स के तरह ही है मगर ये 3D लुक का दिखते हैं। तो अगर आप इसको दिखना चाहो, एक्सपीरियंस करना चाहो, तो मैं आपको पूरा डिटेल इसके बारे में बताऊंगा। शेप्स जो है, शेप्स जो चीज है ये भी वही चीज है, मगर ये थोड़ा रंग बिरंगे टाइप के प्रीलोडेड हैं जो कि 3D टाइप के दिखते हैं, ठीक है। तो कोई भी बुक लिख रहे हो या कोई क्वेश्चन पेपर बना रहे हो, ये तो ये स्मार्ट आर्ट आपको बहुत हेल्प करते हैं भाई, मैं पहले से बता देता हूँ। अगर आप खुद बाय प्रोफेशन कोई टीचर हो या कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो या कोई पोइट्री लिख रहे हो या कोई कुछ भी पोएट लिख रहे हो या कुछ भी स्टोरीज लिख रहे हो, तो ये आपको बेस्ट हेल्प करने वाला है। साइंस एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो ये चीजें, या नोट बनाने में आप जुटे हो तो ये चीजें आपको बेस्ट चीजें हैं, आपको हेल्प करेंगे कोई भी चीजों को, ठीक है। तो सपोज मान लीजिए कि मैं तो इतना सारा बोल दिया, मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाहूंगा कि ये सब चीजें कैसे आप दिखाते हो, ठीक है। तो मैं आपको चीजें दिखा देता हूँ। मान लीजिए इसको हम पिक करेंगे, मैं सपोज मान लेता हूँ मैं एक कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, तो जो है H2O, H2O क्या है, ये पानी है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन मैं लिख दूंगा, यहाँ पे ऑक्सीजन लिख दूंगा, ये दोनों मिलने के बाद हाइड्रोजन से दो ऑक्सीजन से एक मिलने के बाद क्या होता है, H2O होता है। तो ये बड़ा सिंपल से आप यहाँ पे दिखा सकते हो। आपको बैठ के यहाँ पे खुद का मतलब क्या बोल रहे हैं कि आपको टाइम इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, शेप्स को ला के फिर से अच्छे से उसको बनाना नहीं पड़ेगा, बहुत कुछ चीजें प्रीलोडेड हैं जो कि आप उसको कलर चेंज कर सकते हो, सब कुछ यहाँ पे चेंज कर सकते हो जो आपको पसंद आए,
जो आपको पसंद आए ऑलरेडी प्रीलोडेड है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करते हो क्या नहीं। ठीक है, होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ पे चेस कर सकते हो ऑटोमेटिकली डिजाइन फॉर्मेट, दो चीजें यहाँ पे आ जाएंगे, याद रखिएगा। अगर स्मार्ट आर्ट के ऊपर आप क्लिक करते हो तो स्मार्ट आर्ट में यहाँ पे डिफरेंट और भी सारे चीजें दिए हुए हैं, आप यहाँ से कर सकते हो। मोर लेआउट के ऊपर अगर क्लिक करोगे तो यहाँ पे जाके पिरामिड है, पिक्चर्स है, ये सारा चीज आप डाल सकते हो, सारा चीज। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ, ये आपका साइंस रिलेटेड एक्सपेरिमेंट हो, कोई बुक लिख रहे हो, कोई प्रोजेक्ट लिख रहे हो, कोई चीज बना रहे हो, ये आपको इसमें बहुत ही हेल्प करेगा। फायदा क्या है कि आपको बैठ के बनाना नहीं पड़ेगा कोई चीज, क्योंकि ये पहले से कुछ चीजें ऑलरेडी प्रीलोडेड हैं जो कि 3D लुक में है और बहुत ही अच्छा दिखता है। अब चाहो तो उसका कलर पसंद नहीं है तो कलर भी चेंज कर सकते हो, नॉट एन इश्यू। चलिए थोड़ा बैक कर जाते हैं, स्मार्ट आर्ट गया, स्मार्ट आर्ट को अभी डिलीट कर देते हैं। स्मार्ट आर्ट के अंदर भी आप कलर चेंज कर सकते हो, मैं थोड़ा बोलना भूल गया। यहाँ पे डिजाइन फॉर्मेट दो और टैब जेनरेट हो गए। डिजाइन के ऊपर जाओगे तो डिफरेंट काइंड ऑफ डिजाइन आपको यहाँ पे दिखने मिलेंगे, और फॉर्मेट के ऊपर जाओगे तो यहाँ पे उसको चेंज करने के लिए, डिफरेंट लुक्स देने के लिए बहुत सारी चीजें आपको दिखने मिलेंगे। आपको ये पसंद नहीं, ये पसंद नहीं, तो और कोई डाल दो, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसमें सीधी बात, नो बकवास, आप कुछ भी यहाँ पे डाल सकते हो, कुछ भी दोस्तों, कुछ भी डाल सकते। ठीक है, तो कुछ भी डाल सकते हैं। यहाँ पे फील्ड में जाओगे, फील्ड में जाके क्लिक करने के बाद आप फोटो डालना चाहो फोटो भी डाल सकते हो। यार मुझे मेरा फोटो अच्छा लगता है तो मैं बार बार डाल रहा हूँ, आप खुद का फोटो भी डाल सकते हो। ठीक है, बिंदास, चलिए आगे चलते हैं। तो अभी इंसर्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो और एक ऑप्शन आएगा, उसको पहले डिलीट कर देते हैं। और एक ऑप्शन आएगा चैट। ये जो चार्ट चीज है ना दोस्तों, ये बहुत ही खास किस्म का चीज है, मगर इसका मैक्सिमम यूज दिखा जाता है एक्सेल में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जो कि आगे चल के हम आपको बताएंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कोई, वहां पे जो डेटा होगा, डेटा को सिलेक्ट करने के बाद अगर कोई भी तरह तरह का आपका चार्ट को यूज करते हो तो आपका बहुत ही अच्छा लुक आने वाला है। मगर दोस्तों मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ कि चार्ट क्यों यूज किया जाता है। देखिए, कोई भी चीज को आप सुनते हो जितना याद रहता है, कोई भी चीज को आप दिखते हो तो उससे ज्यादा आप याद रखते हो। दैट मीन्स ग्राफिकल डेटा अब आपको बहुत ही अट्रैक्टिव बनाता है। बहुत सारे चीजें आपको दिए हुए हैं बुक में कि ये इतने परसेंट लोग, अभी मान लो कि कोरोना का टाइम चल रहा है, कोरोना में ये देश इतना लोगों में पीड़ित है, वो लोग इतना, तो ये इसको पढ़ोगे तो शायद आपको एंड को याद आए या ना आए। आपके दिमाग में अगर कोई क्वेश्चन पूछ लगा रहे दोस्तों बोलो तो अभी हाईएस्ट कौन किसका है, तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होगा कि आपको रिकॉल करने में कि अरे सच में यार कौन आज के डेट में कौन हाईएस्ट पोजीशन में है, कौन किसका कोरोना पेशेंट बहुत ज्यादा है, तो ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। मगर अगर चार्ट बॉक्स होगा तो चार्ट यहाँ पे आपके आंखों के सामने सारा कुछ चीजें यहाँ पे दिखाए होंगे कि ये देश ज्यादा पीड़ित है, ये देश थोड़ा कम, ये देश थोड़ा कम, ये देश थोड़ा कम, इसका इतना परसेंट है, इतना इसका इतना परसेंट है, इसका इतना परसेंट है, पूरा सारा डेटा आपके सामने होगा। ग्राफिकल डेटा पूरा आपको प्रेजेंट करेगा जो कि है चार्ट। कोई भी इंफॉर्मेशन मांगो तो फटाक के आपको अवेलेबल कराएगा, वो है चार्ट। मगर चार्ट का जो काम है वो एक्सेल में ज्यादा होता है, वर्ड में, और हमारा बोलते हो आपका माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में थोड़ा कम रहता है। मगर दोनों में होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता। हम आपको चार्ट के बारे में पूरा डिटेल्स आपको बताएंगे कहाँ पे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, थोड़ा धैर्य रखिए। तो वैसे ही आप जैसे आप चार्ट डाले तो यहाँ पे डिजाइन आ गया, तो डिजाइन आपके हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको चेंज नहीं करना तो आप फॉर्मेट के जाओ तो वहां पे उसका कलर भी चेंज कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहो यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, अपना फोटो भी डाल सकते हो दोस्तों। बहुत ही दिनदार पार्ट, मतलब क्या बोलूं आपको, आप समझ पा रहे हो मैं जो बोलना चाहता हूँ। तो छोड़ो, हर वक्त मेरा फोटो फोटो डालना भी अच्छा नहीं है। मैं चार्ट को डिलीट किया अभी, चलिए
चार्ट को पूरा डिटेल हम आपको बताएंगे कहाँ पे, एक्सेल में, भूलना मत। और तीसरा पार्ट आता है कि यहाँ पे स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट क्या है दोस्तों, अगर आप पहले से कोई स्क्रीनशॉट लिए होंगे प्रीलोडेड करके, यहाँ पे है तो कोई स्क्रीनशॉट नहीं है, इसकी वजह से उसका कुछ भी नहीं दिखा रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट, कोई भी चीज को आप लेना चाहते हो यहाँ पे डालना चाहते हो, मान लो कि यहाँ पे एक क्या बोलो कि VLC का एक जो ऐप का जो लोगो है उसको हम डालना चाहते हैं, तो कैसे डालेंगे? अभी तो उसको एडिटिंग करके, बैक रिमूव करके, फिर से इंसर्ट करेंगे, पिक्चर को जाके इंसर्ट करेंगे, बहुत टाइम हो जाएगा, तो वो चीज मुझे नहीं करना। तो मुझे क्या करना है, मुझे सिंपली क्या करना है, वो VLC मुझे चाहिए, तो VLC के लिए मुझे क्या करना है, स्क्रीनशॉट के ऊपर क्लिक करना है, स्क्रीन क्लिपिंग के ऊपर क्लिक करना है। तो मैं चला जाऊंगा यहाँ पे VLC कुछ है, तो VLC मुझे क्रॉप कर देना है, हो गया। तो यहाँ पे आके डाल देना है, सिंपल हो गया। तो ये स्क्रीनशॉट का बेसिकली काम होता है। आज जो इलिस्ट्रेशन के बारे में बोल दोस्तों हमने पढ़ा, शायद आपको पूरा समझ में आया होगा। ये इतना नहीं कि मैं जितना बोल दिया उतना ही है, उससे कहीं ज्यादा अंदर बात का चीज का बात है। मगर दोस्तों आप एक्सपेरिमेंट करने से ही आपको नए नए चीजें पता चल रहा, टेक्नोलॉजी कहीं पे लिमिटेड नहीं रहता, उसका जितना एक्सपेरिमेंट करो उसका आगे चल के आपको बहुत सारा एक्साइटेड चीजें दिखाता है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन कर प्रेस करना ना भूले। आपका प्यार सपोर्ट बनाए रखें, आप हैं तो हम हैं दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, घर रहिए, सेफ रहिए और कोरोना से हम सब मिलके लड़ेंगे। थैंक यू।